नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका युवा स्टडी पॉइंट में। और आज हम देखेंगे 22 से लेकर के 25 अगस्त तक के जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं वो। ये हमारा सेक्शन है हाफ वीकली करंट अफेयर्स का, जिसमें हम एक वीक में दो बार वीडियोस बनाते हैं। और वो दो जो वीडियोस हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पूरा जरूर देखें। वीक में सिर्फ दो वीडियोस डालने हैं और आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में समुद्री सीमा के उल्लंघन पर ईरान ने किस देश के पोत को जब्त कर लिया है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है कतर, सी है बहरीन और डी है संयुक्त अरब अमीरात। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर संयुक्त अरब अमीरात के एक पोत को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है, तथा इसके चालक दल के सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया है। और इस कार्रवाई के बाद यूएई के तटरक्षक बल ने भी दो ईरानी मछुआरों को मार गिराया तथा उनकी नौकाओं को भी जब्त कर लिया है। और इसराइल के साथ यूएई के समझौते के बाद दोनों खाड़ी देशों में संबंध जो है वो तनावपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, भारत में कब से जनगणना प्रतिवर्ष होती आ रही है? ऑप्शन ए है 1910, बी है 1981, सी है 1891 और डी है 1881। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 1881। देखिए, भारत दुनिया के ऐसे गिने चुने देशों में शामिल है जहां 1881 से लगातार हर 10 वर्ष पर जनगणना होती आ रही है, और यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी 1941 में से रोका नहीं गया था, और आज़ादी के पहले फरवरी और मार्च के बीच कभी भी जनगणना होती रही थी। लेकिन आज़ादी के बाद से क्या हुआ है कि 1951 से इसे 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच तय कर दिया गया। मतलब उससे पहले क्या होता था कि फरवरी और मार्च में कभी भी जनगणना कर ली जाती थी, लेकिन 1951 के बाद से हुआ है कि 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच ही जनगणना की जाती थी। और उसके बाद क्या होता था कि 1 और 3 मार्च को क्या होता था कि दोबारा इस दौरान जन्मे बच्चों की जो गिनती थी वो की जाती रही है, ताकि उस साल 1 मार्च को देश की असली जनसंख्या का पता चल सके। देखिए, कोरोना महामारी के कारण 130 साल में पहली बार जनगणना की परंपरा टूटने का खतरा खड़ा हो गया है। और दो चरणों में होने वाली जनगणना के पहले चरणों में क्या होगा कि घरों और मवेशियों की गिनती का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरा होना था, लेकिन अभी भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए, ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है सूरत और सी है इंदौर और डी है पुणे। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो है इंदौर। देखिए, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, और इस रैंकिंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में इंदौर जो है वो पहले स्थान पर है। और जबकि यह है कि 1 से 10 लाख वाले जो है आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर जो है वो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है। देखिए, ये लिस्ट है रैंकिंग जो है शहरों का नाम, पहले पर है इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरे पर है सूरत गुजरात, तीसरे पर है नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथे पर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, पांचवें पर है अहमदाबाद गुजरात, छठे पर है राजकोट गुजरात, सातवें पर है भोपाल मध्य प्रदेश और आठवें पर है चंडीगढ़ चंडीगढ़ और नवें पर है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और 10वें पर है बड़ौदरा गुजरात। ये लिस्ट जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरी जो लिस्ट है वो है 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की रैंकिंग, जो है पहले पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़, दूसरे पर है मैसूर कर्नाटक, तीसरे पर है नई दिल्ली, चौथे पर है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, पांचवें पर है रतनगोन मध्य प्रदेश, छठे पर है तिरुपति, सातवें पर है जमशेदपुर और आठवें पर है गांधीनगर गुजरात, नवें पर है धुले महाराष्ट्र और 10वें पर है राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ में। और ये जो लिस्ट है वो है 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की रैंकिंग की, और ये क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। अब देखिए, जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनकी सूची, पहले नंबर पर है जालंधर कैंट जो है पंजाब में, दूसरे पर है दिल्ली कैंट नई दिल्ली, तीसरे पर है मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश, चौथे पर है लैंसडाउन कैंट उत्तराखंड, पांचवें पर है वाराणसी कैंट उत्तर प्रदेश, छठे पर है झांसी कैंट उत्तर प्रदेश, सातवें पर है महू कैंट मध्य प्रदेश और आठवें पर है देहू रोड कैंट महाराष्ट्र, नवें पर है डलहौजी कैंट हिमाचल प्रदेश,
और 10वें पर है सेंट थॉमस माउंट कैंट जो है तमिलनाडु में। देखिए राज्यों की राजधानी वाली श्रेणी में नई दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ का जो स्थान है वो दूसरा है, तथा गांधीनगर गुजरात जो है वो तीसरे स्थान पर है। और स्वच्छता के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर को 5 स्टार शहर घोषित किया गया है, और इसके अलावा 86 शहरों को 3 स्टार और 64 शहरों को 1 स्टार घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्षों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 19 अवार्ड अपने नाम किए हैं, और वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश को 14 अवार्ड मिले थे, जबकि 2018 में केवल 3 ही अवार्ड मिले थे। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ की रैंकिंग जो है वो 12वीं है, जबकि प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो है पहले स्थान पर कौन सा शहर है, जो होगा लखनऊ। इसके अलावा देखिए क्या है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की जो रैंकिंग है वो निम्न है। 12वें पर है आगरा, 16वें पर सॉरी 12वें पर है लखनऊ, 16वें पर है आगरा, 19वां है गाजियाबाद, 20वां है प्रयागराज, 25वां है कानपुर, 27वां वाराणसी और 41वां है मेरठ। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है निम्न कदमों पर विचार कीजिए। एक पहला है स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। दूसरा है वर्ष 2016 में मैसूर को देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और तीसरा है स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल 1-3, सी है केवल 2-3 और डी है सभी 1-2-3। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है सभी 1-2-3। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने प्राचीन रूढ़िवादी चर्च कोरा को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है ईरान, सी है तुर्की और डी है मलेशिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है तुर्की। देखिए इस्लामीकरण की राह पर चलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेसप तैयब एर्दोगन ने एक और प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन होगा, प्राचीन रूढ़िवादी चर्च कोरा को मस्जिद में बदलने का आदेश जारी किया है। और हागिया सोफिया जो है उसको मस्जिद में बदलने के बाद यह दूसरा चर्च है जिसे मस्जिद में बदलने का फरमान जारी हुआ है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, हाल ही में पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सूचना आयुक्त, बी है सतर्कता आयुक्त, सी है चुनाव आयुक्त और डी है नीति आयोग का सीईओ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है चुनाव आयुक्त। देखिए पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, और उनको जो है वो अशोक लवासा की जगह पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और अशोक लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था, और राजीव कुमार जो है वो 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जो है 5। देखिए हाल ही में निम्नलिखित 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिनमें पहले हैं रोहित शर्मा क्रिकेट, दूसरे हैं मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट, तीसरे हैं मनिका बत्रा टेबल टेनिस, चौथे हैं विनेश फोगाट कुश्ती और पांचवें हैं रानी रामपाल हॉकी। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा के नेतृत्व में खेल पुरस्कारों के चयन के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था। दूसरा है इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 27 है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1/2 दोनों और डी है कोई भी नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1/2 दोनों, मतलब ये दोनों कथन जो है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, हाल ही में पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्यवाही से बचने के लिए कितने आतंकवादियों की सूची जारी की है। ऑप्शन ए है 80, बी है 88, सी है 90 और डी है 95। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जो है 88। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्यवाही से बचने के लिए हाल ही में पाकिस्तान ने 88 आतंकवादियों की जो है वो नई सूची जारी की है, और इस सूची में 1993 के मुंबई बम धमाकों का आरोपी जो है
को क्या आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। और FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने इन आतंकियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं और इन सभी आतंकियों की संपत्ति जब्त करने के साथ ही इन पर यात्रा प्रतिबंध भी लागू किया गया है। देखिए, 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान भाग गया था और इन बम धमाकों में 257 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और पाकिस्तान जून 2018 से ही ग्रे लिस्ट में शामिल है और उस पर ब्लैक लिस्ट में आने का खतरा भी बना हुआ है। और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो उस पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या है FATF या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए, FATF जो है वो टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली एक संस्था है, और दूसरे शब्दों में कहें तो यह आतंकियों को पालने पोसने के लिए पैसा मुहैया कराने वालों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। और FATF का जो गठन है वो 1989 में हुआ था और कई देश इसके सदस्य हैं, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना इस संस्था का मकसद है। और यह अपने जो है सदस्य देशों को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। देखिए, अब आते हैं कि जो है FATF की जो सूची है उसमें शामिल होने पर मुश्किलें क्या होती हैं। देखिए, अगर जो है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहता है या उसे डार्क ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसके लिए क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF या विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय संघ या फिर यूरोपीय यूनियन से जो है आर्थिक मदद हासिल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और FATF के जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 39 और इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस में जो है फ्रांस में। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किसे लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है आनंद महिंद्रा, बी है शांतनु नारायण, सी है इंदिरा नुई और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। देखिए, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दोनों बिजनेस लीडर्स के योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में यूरोपा लीग फुटबॉल कप प्रतियोगिता को किसने जीता है। ऑप्शन ए है सेविला, बी है इंटर मिलान, सी है जुवेंट्स और डी है फोरेंटिना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है सेविला। देखिए, सेविला ने इंटर मिलान को 3-2 से हराकर छठी बार जो है यह खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में निम्नलिखित में से कितने सॉरी किन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है जहीर अब्बास, बी है जैक कैलिस, सी है लिसा स्टालेगर और डी है उपरोक्त सभी को। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी को। देखिए, एशियाई ब्रैडमैन कहे जाने वाले पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज जहीर अब्बास दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कॉलिस और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टॉलेकर को वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जबकि जहीर अब्बास पाकिस्तान के छठे खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और लिसा स्टॉलेकर कुल 9वीं महिला खिलाड़ी हैं व ऑस्ट्रेलिया की कुल 5वीं महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें सूची में जगह मिली है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। जो है नुआखाई फसल महोत्सव आपको बताना है कि किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़ और डी है असम। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जो है उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से देश ने काला सागर तट के समीप एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। ऑप्शन ए है तुर्की, बी है यूक्रेन, सी है बुल्गारिया और डी है जॉर्जिया। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जो है तुर्की। देखिए, ग्रीस से चल रहे तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि उन्हें काला सागर के तट के पास में 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। और तुर्की ने कहा है कि काला सागर में अब तक के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की गई है और तुर्की का ट्रलिंग शिप फेद जुलाई से ही खुदाई जोन में लगा हुआ है और इसको नाम जो है वो टूना बन का नाम दिया गया है। और यह काला सागर में क्या है कि तुर्की के तट से 100 नॉटिकल मील दूर स्थित है। और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तुर्की इस गैस के भंडार को निकालने में सफल होता है तो उसे रूस से बेहद महंगी गैस का आयात नहीं करना पड़ेगा।
चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। जो है अर्थ ओवरशूट डे वर्ष 2020 में कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 20 अगस्त, बी है 22 अगस्त, सी है 23 अगस्त और डी है 24 अगस्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 22 अगस्त। देखिए 22 अगस्त को मनाया गया है अर्थ ओवरशूट डे वर्ष 2020 में। देखिए अर्थ ओवरशूट डे जो मनाना है वो खुशी का नहीं बल्कि चिंता का विषय है। देखिए जब प्रत्येक वर्ष जब संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरण दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है तब अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। और यह इस बात का भी संकेत है कि हम सबने वर्ष 2020 के लिए समस्त प्राकृतिक संसाधनों को 22 अगस्त तक समाप्त कर दिया है और पिछले वर्ष जो है 2019 में यह जो दिन है वो मनाया गया था 29 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर जिसका उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। आपको बताना है कि काला सागर जो है वो कौन से उसकी जो सीमा है वो कौन से देश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए है तुर्की, बी है बुल्गारिया, सी है यूक्रेन और डी है पुर्तगाल। आपको बताना है कि काला सागर को कौन से देश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। आज के वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या करंट अफेयर्स हमारा पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट में आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में आप फीडबैक दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नया प्रारूप है ये और आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आप हर क्वेश्चन को जरूर याद कीजिए। अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए हैं तो उनमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं हमारे करंट अफेयर्स से, तो इस वजह से क्या है कि आप करंट अफेयर्स को सीरियसली लेकर के चलें और उसको अच्छे से तैयार करते हुए चलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।